नसीम साहब को सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं होगा मेज़बान साजा गोरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा शहर मेरे लोग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ N133 के इलाके में, जो कि जनरल हॉस्पिटल के बैक साइड पे है, अवामी कलोनी। यहाँ पर UC 228 है। हम अपने जो मेरा शहर मेरे लोग हैं, उसमें हम अपने क्रिश्चियन कम्यूनिटी के मसाइल को उजागर करते हैं, जिसमें जॉब्स के मसले मसाइल, उस इलाके में जो सफाई के मसाइल हैं, उस हवाले से हम बातचीत करते हैं अपने मसीह कम्यूनिटी से। यहाँ पर कुछ तकरीबन 500 करीब ख़ानदान है और 3000 वोट हैं। यहाँ पर हमारे साथ अकलीती जो काउंसलर हैं नून लीग की तरफ से, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त N133 में जो परवेज़ मलिक साहब की जो डेथ हो गई है MNA की, उनकी जगह पर जो है ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, यहाँ पर नून लीग का जो दौर चल रहा था पिछला, उसमें क्या काम थे, और अब के दौर में जो PTA का दौर चल रहा है, उसमें क्या काम हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर जी, क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर काउंसलर भी रह चुके हैं, अभी तक काउंसलर भी हैं, तो पिछले दौर के हवाले से इस दौर में काम शाम हुए हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत मसले मसाइल हैं, पानी बहुत गंदा आ रहा है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, ये पिछला जो दौर था नून लीग का, उस वक्त ये मसाइल थे? हाँ, उदो भी ऐसे। अच्छा, पानी वगैरह साफ आ रहा था? नहीं, पानी तो उदो भी गंदा आता। अच्छा, तो आप PTA का जो दौर है उस वक्त ये क्या सूरत हाल है यहाँ पर? उन भी गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, बच्चे नौजवान जो हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? 10% होंगे। 10% हैं। और सरकारी जॉब कौन कर रहे हैं? कितने? वो 30-20 होंगे। 30-20। अच्छा, यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो N133 के जो इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर PTA का जोर ज़्यादा होगा कि नून लीग का ज़्यादा होगा? नून लीग का ज़्यादा जोर है, इसलिए कि मलिक परवेज इतने जितया। अच्छा, तो नून लीग ये तो जीत दी रही है। नून लीग के दौर में जब परवेज मलिक साहब यहाँ पे MNA थे, तो उस वक्त यहाँ पर विजिट होता था उनका? हाँ, विजिट होता था, जे उन्होंने बनाइया ने गल। अल्लाह मालिक है, असी ओरी मखलूक है, कल हक सच दी है। असी उन्हों को चार आने का भी नहीं फायदा लिया, लेकिन उन्हें काम किए आ। काम है कि आवाम क्यों रोंदी है कि हुण थाली विच कुछ नहीं, जो तब्दीली आई उदो पतीली खाली सी, राती तब्दीली हुई है तो सुबह एक दरवेश पतीली लई जाए, उन्हें क्या खाली है। तो ये गल समझ आई कि वाकई गल, उन्हें क्या किस पास, जिहड़े पास आने से ना मियाँ साहब मुल्क किधर ले जाते, उवें ही गल हुई है। हुण ये वंझली जिहड़ी है, उस वंझली की जरूरत है, वजे वंझली रांझे की नीली छत उत्ते जिहड़ी मस्त होवे उह ही रोंदी। ये सारा कुछ जिहड़ा ना कीता, हुण कम सारा सीधा है। हुण क्यों है, हुण की करिए, की किनू दसीए? उस मालक दिया, मालक की बारगाह विच आवाम की फरियाद है, या अल्लाह कोई नेक बंदा लिया जिहड़ा साडी सुने। मकसद यह है कि जे आटा वेखो तो वह महंगा, घ्यो वेखो तो वह महंगा, महीने में 4 दफा बत्ती जाती है, पानी आउंदा नहीं, जो पानी सीधा कर लगे उन्होंने हुकूमत खत्म। काम उन्हें किए, ये मनना पेगा पूरी दुनिया में। लेकिन यह है कि किसी की मर्जी है, किसी को की कहना। साढ़े को बच्च हर बंदे के अंदर फैलां बनिया, हर चीज ये टाइम आएगा तो दसेगा कि किस की करना। अगर अगर उन्होंने हुकूमत ना हटा दे तो वो कामयाब, असा वेखे बूथां ते जाके जो कुछ हो रहा है। आपकी नज़र में नून लीग कामयाब थी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सदका हजूर दा। ये मैं वो मदीने वाली सरकार की अगवाई करके गल कर रहा, असा जो वेखे है उस गल कर रहा, आवाम की गल नहीं। डरदे नहीं गल करने जी, की हो जाना तो की होना, तो जो डरना ही है तो फिर करना, जो नच भी है फिर घुंड कर रहा। ये बाबा जी तुम आप ही वेख लो, तुम आप ही समझदार है, आवाम को पूछने की लड़ कोई नहीं, ये तो टाइम दसेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कौन से मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं अपने हलके में? मसले मसाइल तो सर जी कुछ भी नहीं गए। अच्छा, ए दो तीन काम उन्हें किए ने PTI ने, एक है मस्जिद वाली गली बनाई है, एक दो एक गलियां तो बनाई हैं, गटर भी पवाए ने, नवे पैप भी पवाए ने नलके दे, पानी तो वाम सारी बाजारों लिया दी, बाहरों पीण वाला वो तो सारी वाम ही लिया दी, इस्तेमाल करने वास्ते बर्तन बुर्तन धो लेंगे, नहा नू लेंगे, उन्होंने नहा लेंगे, बाकी जो पीने वाला पानी सारी महला ही लिया बाहरों, वो कोई भी नहीं है नलके का पींदा। अच्छा, PTA वालों जमशेद इकबाल चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं इधरों, ताड़े ख्याल है जितनगे? देखो जी, ये तो अल्लाह के काम ने जी, बंदा की कह सकता है, की कहते हैं, तो जो भी जीती नून लीग जीती। ठीक है, की कहते मालिक की काम है कि किन्ने जितना तो किन्ने हारना, ये तो गैबी काम है ना, की पता किन्ने जितना किन्ने नहीं जितना, सानी से कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तुम अपने टन्योर च बहुत ज़्यादा काम किया,
ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ? ਕੰਮ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਗੈਸ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਿਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਮ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਤਨਾ ਬਾਸ਼ਾਊਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਫੀਸਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ ਬਤਾਈਏਗਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਬਾਤ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਤੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੋ ਤੋ ਇੱਕ ਉਨਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਉਨਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਯਹ ਥਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੌਰ ਪਰ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਯਹ ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਭਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਹ ਡਿਸੰਬਰ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਗਲੀਓ ਮੇਂ ਆ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਹੋਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫੈਬ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਔਰ ਕੁਛ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਯੂਥ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਥ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਤੋ ਕਸੂਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਬ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਸੀਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? مسیح کمیونٹی کے حوالے سے یہ کر کے اپنا ایمان کو مضبوط رکھیں اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور خود کو خداوند کی طرف مائل کریں۔ بہت شکریہ۔ یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں لوگوں نے بتا دیے ہیں، تو جس طرح N133 کے الیکشن آنے والے ہیں تو میں آپ کو اس حلقے میں جتنے بھی ہماری کرسچن کمیونٹی کے جو علاقے ہیں، اس میں جنرل ہاسپٹل کی یہ بیک سائڈ ہے، اس کے بعد باگڑیاں، گرین ٹاؤن، بہار کلونی، وہاں کے مسائل آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔